31 मार्च 2017 रिलायंस जियो की फ्री सर्विस का आखिरी दिन है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जियो की एक ऐसी सर्विस भी है जो 1 अप्रैल के बाद भी फ्री रहेगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके मन में ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि ऐसी कौन सी सर्विस है जिसका फायदा हमें फ्री में मिल सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समी कनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गीकी से। चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2017 रिलायंस जियो की फ्री सर्विस का आखिरी दिन है, यानी 1 अप्रैल 2017 से यूजर्स को जियो सर्विस के लिए रिचार्ज कराना होगा। इसके साथ ही उन्हें 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी लेना होगा। जियो इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को सिर्फ डाटा के लिए पैसे देने होंगे, जबकि कॉलिंग, SMS और रोमिंग पूरी तरह से फ्री रहेगी। लेकिन इस सबके अलावा जियो की एक ऐसी सर्विस भी है जो बिना किसी तरह का शुल्क दिए एक्टिव रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सर्विस भी है जो पूरी तरह 1 अप्रैल के बाद भी फ्री रहेगी और हम उसका यूज बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, और उस सर्विस का नाम है कॉलर ट्यून। जियो की कॉलर ट्यून सर्विस 1 अप्रैल के बाद भी पूरी तरह फ्री रहेगी। अगर मैं दूसरे टेलीकॉम कंपनी की बात करूँ तो वो कॉलर ट्यून सर्विस का चार्ज लेती है। अगर ऐसे में आपके पास जियो सिम है, आप कॉलर ट्यून सर्विस का फ्री में मजा ले सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम ऐसे कैसे कॉलर ट्यून को फ्री में एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जियो कॉलर ट्यून सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको जियो 4G वॉइस ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद ऐप को ओपन करके मैसेज ऑप्शन में जाएं। इसके बाद मैसेज में JT टाइप करके और उसे सेंड कर दें 56789 पे। उसके बाद कंपनी की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसमें आपको अपनी पसंद के सॉन्ग की कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अब आपके पास मूवी से संबंधित गानों का मैसेज आएगा, आपको जो भी गाना पसंद हो उस गाने का नंबर भेज दें। अब आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, यहाँ पर 1 टाइप करके भेज दें। अब कॉलर ट्यून शुरू करने का मैसेज आएगा जिसमें 30 मिनट के अंदर आपको वाई लिखकर भेज दें। इसी के साथ आपकी कॉलर ट्यून एक्टिवेट हो जाएगी और आप फ्री में उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपका मन कॉलर ट्यून सर्विस को डीएक्टिवेट करने का हो तो मैसेज में स्टॉप टाइप करके उसे 56789 पे भेज दें और अपनी सर्विस को डीएक्टिवेट कर दें। अब रिलायंस जियो की बात करें तो वो दूसरी कंपनी को सिर्फ एक ही बात बोल रहा है। अब लेने की बात करूं तो जियो सच में कह के ही ले रहा है, कब तक लेगा वो तो जियो को ही पता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर कर लें। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सामने ऐसे ही कुछ गीकी ट्रिक्स, गीकी न्यूज लेके मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।